दोस्तों, आज की कहानी है पति जी। मेरे संस्कार मुझे इन सब चीजों की इजाजत नहीं देते। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बड़ी धूमधाम से काव्य और रति का सगाई समारोह सफल हुआ। काव्य और रति दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। साथ काम करते करते दोनों को जब लगा दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो उन्होंने इजहार करने में भी वक्त नहीं लगाया और जल्दी ही दोनों के घर वालों की मर्जी से सगाई भी हो गई। अब शादी भी 2 महीने बाद ही थी। दोनों ही परिवारों को इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं थी। दोनों ही बच्चे सुलझे और समझदार थे। शादी से 15 दिन पहले दोनों का परी वेडिंग सूट होना था, जिसके लिए उन्हें सबसे अच्छी जगह उदयपुर पसंद आ गई। वैसे भी जिलों की नगरी उदयपुर किसे नहीं पसंद। दोनों ने वही अच्छे से होटल में 2 रूम भी बुक करवा लिए थे। नियत समय पर प्री वेडिंग शूट हो गया, जिसके लिए काव्य और रति दोनों ही बेहद रोमांसी थे। आज रति तरह तरह की ड्रेस में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। शाम तक शूटिंग खत्म हो गई और दोनों काव्य और रति होटल में वापस आ गए, क्योंकि जल्दी सुबह उन्हें जयपुर पहुंचना था। वहां पहुंचने के बाद काव्य ने और रति ने अच्छा सा डिनर किया और दोनों बातों में और अपनी शादी की प्लानिंग में बिजी हो गए। कुछ समय पर शांत काव्य ने रति से कहा, रति मैं शांता हूँ, जब हम यहाँ तक आगे बड़ी सुखे हैं तो क्यों ना शादी के बाद वाली रस्म को भी एक बार निभा कर देखे। हालांकि ये सब कहते हुए काव्य हिचकिचा रहा था। उसने धीरे से रति का हाथ अपने हाथों में लेकर जब ये बात कही और एक अलग ही अंदाज में मुस्कुराने लगा तो रति एकदम से भड़क गई और गुस्से में बोली, काव्य तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ऐसे बातें करने की। तुम्हें पता है ना, मेरे संस्कार मुझे इन सब चीजों की इजाजत नहीं देते। अरे मैं तो विश्वास करके तुम्हारे संग यहाँ तक आई हो तो तुमने मेरे अकेलेपन का और मौके का फायदा उठाने की कोशिश की। हमारी शादी में दिन ही कितने रह गए हैं, तभी काव्य बोला, तभी तो कह रहा हूँ कि हमारी शादी में दिन ही कितने रह गए हैं तो क्यों ना। और तुम तो कितनी मॉडर्न हो। नहीं नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा काव्य। जब तुम इस बात को बोलने में ही सहज नहीं हो तो हम दोनों उस पल में कैसे सहज होंगे। प्लीज काव्य, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मेरे लिए आधुनिकता का शब्द मेरी सोच से है, ना कि पहनावे और कुछ करने से। मैं शादी से पहले ऐसा कोई भी गलत काम कर नहीं करूँगी जिसके लिए बाद में मुझे या तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। और अगर हमारे घर वालों को इस बात की भनक भी लग गई तो वह हमारे बारे में कैसी राय बनाएंगे, कभी तुमने सोचा है। और मैं इतनी संस्कारहीन लड़की नहीं हूँ, माना कि मैं मॉडर्न हूँ, आज के जमाने की लड़की हूँ, तुम्हारे साथ हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, किंतु ये सब मुझसे नहीं होगा। हो सकता है हाँ मैं कह भी दूँ, किंतु क्या तुम्हारे मन में इस बात के लिए मेरे लिए या मेरे चरित्र को लेकर कोई भी गलत सवाल नहीं आएंगे। इतना इंतजार किया है तो कुछ दिन और सही। प्लीज काव्य, मेरी बात मानो। सगाई और शादी के मध्य का जो समय होता है वह बहुत खूबसूरत होता है। हमें इन पलों को खुशी से एक दूसरे के इंतजार में बिताना है, इस पल को महसूस करना है, ना कि कोई भी ऐसा काम करके
उम्र भर शर्मिंदगी का बोझ अपने सिर पर ले। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं कुछ पल के लिए बहक गया था, मुझे माफ कर दो। और अब हम इन पलों को एक दूसरे के इंतजार में बिताएंगे, और जब तुम मेरी दुल्हन बनकर मेरे घर में आओगी वो पल मेरे लिए अब